88 साल के धर्मेंद्र मौजूदा समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को करने के बाद वो किसी भी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन वो मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और एक्टिव रहते हुए उन्होंने अभी हाल ही में अपने बेटे बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म कंगवा में उनके किरदार को लेकर खुलकर बातचीत की। आइए चले जानते हैं कि पिता धर्मेंद्र ने बेटे बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म कंगवा को लेकर क्या रिएक्शन दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉबी देओल की 2023 में एनिमल फिल्म में उनके किरदार की जमकर तारीफ हुई। ये फिल्म हिट हुई तो उनके करियर को भी एक लंबी उड़ान मिल चुकी है। एनिमल फिल्म में अपराधा का किरदार निभाने के बाद बॉबी देओल ने खूब लाइमलाइट बटोरी। यही बड़ी वजह है कि आने वाले समय में कंगवा जैसी बिग बजट वाली फिल्म में उधिरन बनकर वो एक बार फिर से कहर बरपाने के लिए तैयार है। अभी हालिया में इस फिल्म का टीजर वीडियो रिलीज किया गया था और इससे पहले जन्मदिन के खास मौके पर बॉबी देओल के उनके लुक को भी रिवील कर दिया गया था। और जब बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र से फिल्म में उनके किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। अब कंगवा फिल्म की बात करें तो ये फिल्म एनिमल फिल्म से भी कहीं ज्यादा खूंखार नजर आने वाली है। उधिरन बनकर बॉबी देओल कहर बरपाने के लिए तैयार हैं और फर्स्ट लुक को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते थे कि ये फिल्म कितना ज्यादा एक्शन से भरपूर होने वाली है। और इस बात का जीता जाता सबूत फिल्म के अभी हालिया में रिलीज हुए टीजर वीडियो से लगा सकते हैं। लेकिन जब बॉबी देओल के किरदार के बारे में पिता धर्मेंद्र से पूछा गया तो उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि बॉबी अब अपना कमबैक कर चुका है। कई सालों से फिल्मों में असफल रहने के बाद अब दर्शकों का प्यार उसे मिल रहा है। मैंने एनिमल फिल्म में उसके किरदार की चर्चाएं सुनी थी और वो फिल्म हिट भी साबित रही। एक कलाकार अपने कला को बड़े पर्दे पर जब पेश करता है तो वो उसमें ढल जाता है और अब दर्शक बॉबी को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कंगवा फिल्म को भी लोग ऐसे ही प्यार देंगे। इसके साथ ही अगर बात करें कंगवा फिल्म की तो सिवा इस फिल्म के निर्देशक हैं और फिल्म के लीड हीरो हैं सूर्या, जो इस फिल्म में कंगवा का रोल अदा कर रहे हैं। बॉबी देओल इस फिल्म में उधिरन बनकर कहर बरपाने के लिए तैयार है। साथ ही दिशा पाटनी का भी इस फिल्म में अहम किरदार होने वाला है। बजट की बात करें तो इस फिल्म का 350 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है और ये फिल्म 2 भागों में बनाई जाने वाली है। रिलीज डेट की बात करें तो अभी तक इस फिल्म के रिलीज डेट को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में फिल्म के रिलीज डेट से भी पर्दा उठ जाएगा। माना जा रहा है कि यह फिल्म 2024 के मिड तक रिलीज हो सकती है। ऐसे में यह 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शुमार है, जिस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड चल रहे हैं, क्योंकि एनिमल फिल्म में अपराधा का किरदार देखने के बाद अब बॉबी देओल के चाहने वाले उनकी इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।